सबसे पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं वीडियो में क्या बोलूं, वीडियो को कहां से स्टार्ट करूं। मेरा माइंड अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और पिछले एक दो दिन से मैं अच्छे से सो भी नहीं पाया हूं। मुझे ये टॉपिक सोशल मीडिया पे लाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। इवन अभी भी मेरा दिल नहीं कर रहा है कि इस टॉपिक पे मैं बात करूं, इसको सोशल मीडिया पे शेयर करूं। बट होते हैं ना कुछ लोग यार, जो इतने से इशू का इतना बड़ा इशू बनाते हैं। तो इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, ताकि वो लोग भी ये वीडियो देखें जो कि मेरे रिलेटेड गलत बातें फैला रहे हैं। कुछ रिलेटिव्स हैं, कुछ नेबर में रहते हैं और कुछ इधर उधर के लोग। सारों को मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुछ बंदे हैं गिने चुने, उनको बोल रहा हूँ मैं ये बात। खैर, उस दिन हुआ कुछ ऐसा था, मैं हमेशा के जैसे व्लॉग बनाने के लिए निकला और मेरे साथ एक और बंदा भी था। उसका नाम और उसको मैं वीडियो में नहीं लाऊंगा क्योंकि वो बेचारा सोशल मीडिया के साथ उतना अटैच नहीं है, तो उसको इस टॉपिक में घसीटना अच्छा नहीं होगा। तो मैं अकेले ही ये बात क्लियर कर देता हूँ। तो हुआ कुछ था कि संडे के दिन हम लोग निकले थे यहाँ से व्लॉग बनाने के लिए, मैं और दूसरा लड़का। हम लोग को जाना था डल गेट व्लॉग बनाने के लिए। मैं डल गेट पहुंचा, वहाँ पे व्लॉग नॉर्मली स्टार्ट किया, गोप्रो मैंने खोला एंड आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग। जैसे कि मैं इंट्रो बनाता हूँ व्लॉग्स में, हाय वेलकम बैक टू द चैनल, आज हम डल गेट से व्लॉग शुरू कर रहे हैं और आज के व्लॉग में ऐसा ऐसा होने वाला है। मैं ये सब रिकॉर्ड कर रहा था, अच्छे से मैंने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड खत्म करके इलेक्ट्रिक रिक्शा में बैठा, जिससे कि हमें जाना था नेहरू पार्क तक। डल गेट और नेहरू पार्क के बीच में लगभग 1-2 किलोमीटर का फासला होगा, तो वो कवर करने के लिए हम लोग रिक्शा में चढ़े, रिक्शा से गए। तो गाइस, जो ही हम नेहरू पार्क पहुंचे और रिक्शा से उतरे, हमें 4-5 पुलिस वालों ने वहीं पे पकड़ लिया। पकड़ लिया नहीं कि ऐसे कॉलर पकड़ लिया और ली गए, नहीं, उन्होंने हमें अच्छे से रोका, साइड पे लाया और वो लोग चेक करने लगे फोन से। तो मैंने पूछा कि सर आप क्या चेक कर रहे हो? वो लोग हमें देख रहे थे, फोन पे देख रहे थे, मतलब मैच कर रहे थे फेसेस, फोन का और मेरा फेस वो मैच कर रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि घबराने की बात नहीं है, छोटा सा सिक्योरिटी इश्यू है, कोऑपरेट करो, कोई मसला नहीं है। तो मैंने भी बोला यस सर, क्यों नहीं, क्योंकि यू नो आई हैव डन नथिंग रॉन्ग, मैं तो जेन्युइन बंदा हूँ, आज तक मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है। तो उस बेस पे मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। तो उसने बोला मैच हो रहा है, ये आप ही हो। मैंने बोला सर मुझे भी दिखाइए क्या देख रहे हो। तो उसके फ़ोन में मेरी फ़ोटो थी, जो कि जब मैं ब्लॉग शूट कर रहा था डल गेट में, वो सब फोटो थी उसके फोन में। मैं कैमरा लेके ऐसे ऐसे क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यू नो उन लोगों ने वो सब सिक्योरिटी कैमरा से कैप्चर किया था कि ये बंदा यहाँ पे कैमरा लेके क्या कर रहा है। 1-2 दिन में G20 की मीटिंग होने वाली है और ये बंदा रिकॉर्ड क्या कर रहा है वहाँ पे। तो उस बेस पे उन लोग को थोड़ा सा शक हो गया कि इसके इसका कैमरा चेक किया जाए, इसका बैकग्राउंड चेक किया जाए कि ये वीडियो आखिर क्यों उठा रहा है। बस 5-10 कदम की दूरी पे ही था पुलिस स्टेशन, तो उन्होंने हमें पुलिस स्टेशन के अंदर लिया। कोई भी बदतमीजी नहीं की, बस नॉर्मली अच्छे से बिल्कुल मजे से बात की उन लोगों ने और हम भी मजे से पुलिस स्टेशन में गए। वहाँ पे जो DO सर थे वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट नेचर के थे, तो उन्होंने बिल्कुल अच्छे से बात की मेरे साथ। उन्होंने बोला क्या मसला है, तुम वीडियो क्यों ले रहे थे। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, तो इसीलिए मैं वीडियो ले रहा था। तो उसने बोला कोई मसला नहीं है, उसने कैमरा वगैरह चेक किया, आधार कार्ड वगैरह चेक किया और अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म किया कि हम लोग जो जो कि हमारे पास फोटो पहुंचे थे, जो कि इन लोगों ने डल गेट में उठाई थी सिक्योरिटी कैमरा से, उसने अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म किया कि वो दो बंदे हमारे पास पहुंच चुके हैं, वो जेन्युइन है, ऐसे ऐसे हमने चेक किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनके सीनियर DSP मैम आई थी, जो कि वो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब पोलाइटली उन्होंने हमारे साथ बिहेव किया, इतने अच्छे से स्माइल के साथ बात कर रहे थे, वो अच्छे से पूछा बिल। फिर उसके बाद SP सर भी आए देखने के लिए पर्सनली कि ये बंदे कौन है, उन्होंने भी बहुत अच्छे से बिहेव किया। फिर सारे ऑफिसर्स मिलके पूछ रहे थे कि आप वीडियो क्यों ले रहे हो। तो मैंने सीधे ही बोल दिया सर मैं एक यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब के लिए व्लॉग्स बनाता हूँ। तो उन लोगों ने मेरी चैनल का नाम लिया और चेक करने लगे कि सच में ये है कि नहीं। तो उन लोगों ने पूरा जो उनका प्रोटोकॉल था वो फॉलो किया, चेक किया,
तो इन द एंड उनको मैं जेन्युइन बंदा लगा, कोई भी मतलब इशू नहीं लगा मेरे में। तो उन लोगों ने बोला कि ये बंदा जेन्युइन है, इसको जाने दो, कोई मसला नहीं है। तो हम वहाँ से निकल गए, आधे घंटे में ही हम वहाँ से निकल गए। बट जो ही हम वहाँ से निकले पुलिस स्टेशन से, अब हम पैदल जा रहे थे वापस डल गेट की ओर, ज्यादा से ज्यादा एक मिनट चले होंगे हम, और हमें वहाँ पे सीआरपीएफ वालों ने पकड़ लिया, क्योंकि जो सारे चेक पोस्ट थे वहाँ के, उन लोग को हमारे फोटोज ऑलरेडी से सेंड करे गए थे कि ये बंदे कैमरा लेके घूम रहे है, इनको चेक किया जाए, ये है क्या मसला, ये क्यों वीडियो उठा रहे। तो उन लोगों ने हमें रोका साइड पे, वही पूछताछ करने लगे। तो मैं उनको समझाने लगा कि सर हमारी पूछताछ ऑलरेडी से हो चुकी है और हम लोग को क्लियर करके छोड़ा भी गया है। बट वो लोग बोल रहे थे कि नहीं हमारे रूल अलग है, पुलिस के रूल अलग है। खैर फिर मैंने वापस डीओ सर को कॉल किया एंड मैंने उनको बोला कि ऐसे मसला हो गया, इन लोगों ने हमें फिर से पकड़ लिया। तो उसने बोला तुम घबराओ मत, हम लोग आ रहे। वो एक मिनट में ही वापस जिप्सी लेके वहां पे पहुंचे और उन लोगों ने सीआरपीएफ वालों को समझाया कि सर कोई मसला नहीं है, ये लोग जेन्युइन बंदे, हम लोग ऑलरेडी इंक्वायरी वगैरह कर चुके। फिर क्या हुआ कि फिर हम लोगों को वापस पुलिस स्टेशन लिया गया। फिर डीओ सर ने बोला था भाई अगर तू अभी घर जाएगा, यहाँ के सारे चेक पोस्ट पे तेरा फोटो ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो जाएगा तू फंस जाएगा कहीं पे। अभी G20 का प्रेशर भी है सारी सिक्योरिटी पे, तो वो लोग तुमसे ज्यादा पूछताछ भी नहीं करेंगे, तुम्हें G20 तक वो बंद ही रखेंगे। फिर तुम्हारे घर वालों को भी पता नहीं चलेगा कि तुम बंद कहाँ पे हो, किस जगह पे हो। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं वहीं पे रुकूं जब तक कि ये सब क्लियर ना हो जाए, तुम्हारे फोटो वापस डिलीट ना किए जाए ये, और तब तक तुम पुलिस स्टेशन में ही रुको क्योंकि तुम यहीं पे सबसे ज्यादा सेफ हो। तो मैंने उनकी बात मान के मैं वहीं पे रुका। इसी के चलते शाम के 10-11 बज चुके थे, मैंने अभी तक घर वालों को इन्फॉर्म नहीं किया था। हम लोगों ने सोचा था कि रात को जो है सिक्योरिटी कम हो जाएगी तो हम बाद में चले जाएंगे, लेकिन रात को सिक्योरिटी इतनी बढ़ा दी गई पूरे डल साइड से, डल लेक के साइड से, कि हम लोग पुलिस स्टेशन के बाहर भी नहीं जा रहे थे। फिर मैंने डीओ सर से बोला कि हमारे घर वालों को आप कॉन्टैक्ट कीजिए, उनको बताइए कि हम यहाँ पे एटलीस्ट, वरना वो बहुत परेशान हो जाएंगे। तो उन लोगों ने हमारे घर पे इन्फॉर्म किया, तो फिर हमारे घर वाले वहाँ पे आ गए एंड डीओ सर ने समझाया कि तो आप लोग टेंशन मत लो, ये बंदे जेन्युइन है, कुछ मसला नहीं है, लेकिन हम इनको छोड़ेंगे तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर इन लोग को दूसरी जगह पकड़ लिया, क्योंकि हम छोड़ रहे हैं यहाँ से, तो हम लोग लिख के देंगे कि ये बंदे यहाँ से निकल गए, तो अगर इन लोग को आगे कहीं पोस्ट पे, चेक पोस्ट पे पकड़ लिया तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो। तो फिर उन्होंने घर वालों को भी सजेस्ट किया कि आप इनको एक रात के लिए यहीं पे रखें और कल हम इन लोग को क्लियरेंस देके, सारे चेक पोस्ट से क्लियरेंस देके इनको छोड़ देंगे। तो फिर एक घर वाले भी एग्री हो गए, और ऐसा नहीं है कि हम लोग को हवालात में रखा गया वहाँ पे, बिल्कुल हम लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीडम में थे, जहाँ जी चाहता था वहाँ जाते थे, मतलब पुलिस स्टेशन के गार्डन में जाओ, डीओ सर के ऑफिस में जाओ, मतलब फ्री थे हम इतना कि घूम फिर रहे थे, जब मर्जी खाते थे, जब मर्जी पीते थे, और जितने भी नेहरू पार्क में डिपार्टमेंट के बंदे काम कर रहे थे, चाहे वो छोटी पोस्ट पे हो या बड़ी पोस्ट पे, सब लोगों ने बहुत प्यार दिया। ऐसा नहीं कि उन लोगों ने हमारे साथ रूडली बिहेव किया, मिसबिहेव किया, हमें डांटा मारा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली बात कर रहे थे। इनफैक्ट जो वो खुद खा रहे थे लंच टाइम में, जो पक रहा था वहाँ पे, जो वो उनके लिए खाना था वही हमारे लिए भी आता था, जहाँ पे वो सोए रात को हमारे लिए भी वहीं पे इंतज़ाम किया सोने का। ऐसा नहीं कि हमें दूसरे कमरे में, किसी गंदे कमरे में सुला दिया, हवालात में सुला दिया, बिल्कुल नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर हम लोग अच्छे से घर आ गए, और घर वाले लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उनको पता नहीं था कि हम लोग वहाँ पे अच्छे से रह रहे थे। होता है ना, अब घर का प्यार है, उन लोग को लगा था कि ये पुलिस स्टेशन में बंद है, पता नहीं वो ये कैसे वहाँ पे रह रहे होंगे। मेरे घर वाले भी बहुत परेशान हो गए थे, तो फिर उन्होंने भी मन्नत रखी थी कि जब मैं घर वापस आऊँगा तो वो लोग ज़िबा करेंगे शीप को। तो फिर घर आया मैं, शीप वगैरह ज़िबा हुए, यू नो, घर का प्यार मिला वापस। तो बस स्टोरी बस इतनी ही थी, बस यही इशू था, जो कि उतना बड़ा इशू नहीं था। हाँ बस थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा था मुझे घर आके, क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम यू नो मैं पुलिस स्टेशन गया। उन्होंने अच्छे से बिहेव किया नो डाउट, बट फिर भी एक मन की बात होती है ना, दिल की बात होती है, जो कि अंदर से मुझे बुरा लग रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पे सोया, यू नो, उस चीज़ से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट था खुद से। और फिर बहुत सारे लोग घर आते, रिलेटिव्स, नेबर, फ्रेंड्स वगैरह, और वो फिर जब इसी बात पे लेक्चर देने लगते हैं कि तू व्लॉगिंग करता है,
क्यों कर रहा था व्लॉगिंग, वो ये छोड़ दो व्लॉगिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, देखो व्लॉगिंग से क्या हो गया, आज तू पुलिस स्टेशन पहुंच गया। घर मतलब घर वालों को भी ऐसी बातें दिमाग में डाल रहे कि व्लॉगिंग, इसे बोलो कि व्लॉगिंग ना करे, व्लॉगिंग से देखो क्या हो गया, व्लॉगिंग छोड़ दो। आप ही बताओ मैंने कुछ गलत किया क्या, मुझे क्या व्लॉगिंग छोड़नी चाहिए इस बात पे। अब ये तो बैड लक था मेरा कि मैं वहां पे वीडियो ले रहा था और उन लोगों ने और सिक्योरिटी कैमराज ने मुझे कैप्चर किया और फिर ये सब हो गया। ये तो किस्मत में था, लाइफ में तो ऐसी चीजें होती रहती है। पहले पहले तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि लोग आ रहे मुझे बोल रहे ऐसा व्लॉग मत करो, लेकिन अब बहुत सारे लोग एक ही बात बोल रहे व्लॉग छोड़ो व्लॉग छोड़ो, और घर पे भी और घर वालों को भी यही सुना रही कि इससे व्लॉगिंग ना कराओ। कहीं ना कहीं तो मैं भी थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहा हूँ इस बात से, मैं व्लॉगिंग करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि यार जब इतने सारे लोग बोलते जाते तो दिमाग में जबरदस्ती बैठ जाती है वो बात। तो इस टाइम पे मैं वैसा ही फील कर रहा हूँ, बिल्कुल डिमोटिवेटेड हो रहा हूँ व्लॉग्स के लिए। तो बस इतनी ही बात मुझे आप तक पहुँचानी थी जो कि मैंने पहुँचाई। अब जिनको पता नहीं था कि हमारे साथ क्या हुआ था, रियल स्टोरी क्या है, उन लोगों को भी अब पता चल गया कि रियल स्टोरी क्या है, वहाँ पे क्या हमारे साथ इंसिडेंट हुआ था। ये आप कमेंट में बता देना कि मेरी गलती है क्या इसमें कुछ, और थोड़े से पॉजिटिव कमेंट्स कर देना जिससे मुझे वापस व्लॉग्स बनाने का मन करे, मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊँ। बाकी जो लोग इसमें अपनी बातें ऐड करके लोगों को बता रहे ऐसा हुआ था ऐसा हुआ होगा वहाँ पे, भाई मत करो। रियल स्टोरी जो है वो ये है। बस अभी थोड़ा सा बुरा लग रहा है क्योंकि मेरा जो फोन वगैरह है, GoPro है, वो सब उन्हीं के पास है। उन लोगों ने सिक्योरिटी के लिए दे दिए चेक कराने के लिए कि भाई इसके मेरे मतलब वहां पे मेरे कॉल रिकॉर्ड्स चेक होंगे, मेरे फोन में जितनी भी डाटा है जो भी है सब वो A to Z चेक करेंगे कि इसके फोन में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है ना, समझ रहे हो ना, नेगेटिव चीज कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है। तो पता नहीं मेरा फोन कैमरा वापस कब आएगा, एक हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं, या पता नहीं आएगा कि नहीं वापस, उस पर भी श्योर नहीं हूँ अभी तो। और आगे का ब्लॉग मैं कैसे बनाऊँ मुझे वो भी नहीं पता है। बस बाकी अभी कुछ नहीं बोलना है, बहुत बोल लिया, फिलहाल मैं अब वीडियो बंद कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ, मेरा दिमाग बहुत डिस्टर्ब है अभी। तो चलो आप अपना ख्याल रखो और मेरे लिए भी दुआ करना। बाय बाय।